गोंदिया जिले के सालेकसा तहसील के दरेकसा पहाड़ी पर धनेगांव में गोंड समुदाय आदिवासियों के धार्मिक स्थल कचारगढ़ में प्रतिवर्ष कोया पूनम महोत्सव का यात्रा का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश भर में 4 से 5 लाख श्रद्धालु पहुंचते हैं। लेकिन इस वर्ष कचारगढ़ यात्रा पर कोरोना का साया पड़ चुका है। 25 फरवरी से 1 मार्च दरमियान 5 दिवसीय आयोजित मेले में राष्ट्रीय आदिवासी महासम्मेलन और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम कोरोना संक्रमण के मद्देनजर रद्द कर दिए गए हैं। मात्र आराध्य देवता के दर्शन हेतु श्रद्धालुओं के लिए प्रवेश खुला रखा गया है। 26 फरवरी को केंद्रीय इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते महागोगुना कोया पूनम महापूजा हेतु कचारगढ़ पहुंचे, जिनके हस्ते सप्तरंगी ध्वजारोहण किया गया। सांसद अशोक नेते के हस्ते वीरांगना दुर्गावती के प्रतिमा की महापूजा की गई तथा पूर्व विधायक संजय पुराम के हस्ते मां कंकाली की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर महापूजा की गई। गौरतलब है कि कचारगढ़ में एशिया की सबसे बड़ी प्राकृतिक गुफा है। इस गुफा को आदिवासी गोंड समाज का उगम स्थल माना जाता है। कचारगढ़ मेले के दौरान गुफा में स्थित बूढ़ा देवी बाबा और मां काली कंकाली की पूजा अर्चना होती है। अपने आराध्य देव के दर्शन करने के लिए लाखों आदिवासी श्रद्धालु अपनी परंपरागत वेशभूषा में यहां आते हैं, लेकिन इस बार मेले में प्रतिदिन मात्र 400 से 500 श्रद्धालु ही जुटे रहे हैं। गोंदिया से केसरी उजाला न्यूज के लिए रवि आर्य की रिपोर्ट।